P38 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि जनरल इलेक्शन 1985 से लेकर जनरल इलेक्शन 2018 तक होने वाले इलेक्शन में इस हल्का से कौन जीता, किस किस का मुकाबला हुआ और कौन कामयाब रहा। जनरल इलेक्शन 1985 में सियालकोट के इस हल्का का नंबर था 143। 1985 के जनरल इलेक्शन में यहाँ से 7 उम्मीदवार चौधरी अख्तर अली वरियों 20,272 वोट लेकर कामयाब करार पाए थे, जबकि दूसरे नंबर पे आए थे आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मुस्तनसर बिल्ला, जिन्होंने हासिल किए थे 12,463। जनरल इलेक्शन 1988 से लेकर जनरल इलेक्शन 1997 तक सियालकोट के इस हल्का का नंबर था PP104। जनरल इलेक्शन 1988 में हल्का से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के चौधरी अख्तर अली वरियों कामयाब करार पाए थे, जिन्हें हासिल किए थे 29,995 वोट। दूसरे नंबर पे आए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सरफराज अली, जिन्होंने हासिल किए थे 22,784 वोट। जनरल इलेक्शन 1990 में PP104 सियालकोट से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के चौधरी खुश अख्तर सुभानी कामयाब करार पाए थे, जिन्हें हासिल किए थे 42,960 वोट। दूसरे नंबर पे आए थे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के अदरीस अहमद बाजवा, जिन्होंने हासिल किए थे 18,812। जनरल इलेक्शन 1993 में PP104 सियालकोट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो के चौधरी खुश अख्तर सुमानी कामयाब करार पाए थे, जिन्हें हासिल किए थे 39,579 वोट। दूसरे नंबर पे आए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चौधरी मोहम्मद असलम, जिन्होंने हासिल किए थे 27,463। जनरल इलेक्शन 1997 में इस हल्के से कामयाब करार पाए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अदरीस अहमद बाजवा, जिन्होंने हासिल किए थे 36,338 वोट। जबकि दूसरे नंबर पे आए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो के चौधरी अख्तर अली वरियों, जिन्होंने हासिल किए थे 21,679 वोट। जनरल इलेक्शन 2002 से लेकर जनरल इलेक्शन 2013 तक सियालकोट के इस हल्का का नंबर तब्दील होकर 125 हो गया था। जनरल इलेक्शन 2002 में यहाँ से कामयाब करार पाए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी खुश अख्तर सुभानी, जिन्होंने हासिल किए थे 30,563 वोट। जबकि दूसरे नंबर पे आए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताहिर महमूद हंदली, जिन्होंने हासिल किए थे 22,672। जनरल इलेक्शन 2008 में यहाँ से कामयाब करार पाए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताहिर महमूद हंदली, जिन्होंने हासिल किए थे 27,721 वोट। दूसरे नंबर पे आए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी खुश अख्तर सुमानी, जिन्होंने हासिल किए थे 26,360 वोट। जनरल इलेक्शन 2013 में यहाँ से कामयाब करार पाए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चौधरी खुश अख्तर सुमानी, जिन्होंने हासिल किए थे 59,706 वोट। जबकि दूसरे नंबर पे आए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताहिर महमूद, जिन्होंने हासिल किए थे 20,030 वोट। जनरल इलेक्शन 2018 में इस हल्के का नंबर तब्दील होकर PP38 हो गया। जनरल इलेक्शन 2018 में यहाँ से एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चौधरी खुश अख्तर सुमानी 57,636 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि दूसरे नंबर पे आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सईद अहमद भली, जिन्होंने हासिल किए 40,570 वोट।